आज इस यात्रा का समापन हमारे बीच में विराजमान है हमारे युवा दिलों की धड़कन, किसानों के मसीहा, महिलाओं के भी हितैषी और सब युवाओं साथियों के सबके लिए प्रेरणा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज पायलट साहब को। ये पूरा हजूम वहां से वहां तक लाखों लोग हैं, इस दोपहर में 45 डिग्री में बाहर खड़े हैं, ये आपका प्यार है। अब सबसे पहले मैं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जो जीत हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज ये कर्नाटक की जीत एक लोकतंत्र की बचाने के लिए है। हिमाचल में सरकार बनी, यहां बनी, और जो मोदी जी थे जिन्होंने ये तय कर रखा था कि आगे आगे चलो, ईडी को ले चलो, सीबीआई को ले चलो और किसी भी तरह से ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं इनको खत्म करो, लेकिन आज जनता ने उसकी कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया कि अब मोदी जी के आगे ये नहीं चलेंगे, ये जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे। मैं साधुवाद देता हूं, बजरंगबली की जय। अब बजरंगबली आपके साथ है, ये आपके साथ है और सत्य की जीत हो गई निश्चित रूप से मानिए। मैं इसी मौके पर जुडिशरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यक्तियों को गलत काम करवाए और उनको पद दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस्तीफा कर दिया है, तो आज की डेट में जो स्थिति है मोदी जी के तो उल्टे दिलाने लग गए। पायलट साहब की जो ये रैली है ये ऐतिहासिक रैली है। हर व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्तिगत रैली है, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि पायलट साहब ने जो रैली निकाली है व्यक्तिगत निकाली है, इसी से कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत करने का यही तरीका है। लेकिन मैं कुछ हमारे जो नेता है, मंत्री है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने इलाके में जाकर एक रैली कर लें जिससे उनको आईना दिख जाएगा कि आप क्या करें। ऐसी शख्सियत जो रोडों पर इस तरह से चलते हैं उसके बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। और जहां तक बात है कि ये रैली व्यक्तिगत है, ये जितने भी लोग बैठे हैं एमएलए एमपी, मैं सब एमएलए से कहना चाहता हूं कि भाई हमारा कहीं उपयोग हो तो हम सब लोग आने के लिए तैयार है, आप प्रोग्राम तो करो। कुछ नेताओं के दिमाग में ये बैठा हुआ है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि वो रात को सपना देखते हैं कि पायलट साहब कल तक चले जाएंगे, कभी 10 को चले जाएंगे, कभी 11 को चले जाएंगे। मीडिया में भी इस तरह की भ्रांति होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पायलट साहब कहीं नहीं जाएंगे, इस राजस्थान में राज करेंगे, आप इंतजार करो। ये जो भीड़ है आई है, ये आक्रामक भीड़ कांग्रेस के हित की है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, हमारे प्रभारी रंधावा जी, तीन उनके सह प्रभारी, उनसे सबसे हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई कोई समाधान निकलेगा कांग्रेस में और नई टीम आगे आकर के राज के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि आप इंतजार कर ले थोड़ा, अभी जिस तरह से जैसे ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन के बाद दूसरे दिन राजस्थान का काम चालू हो जाएगा। मुझे बोलने का धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।